मूविंग फिंगर बाय एडस वॉठोन सेविद मी Edith T H को थे की साउंड नहीं साउंड निकालनी है एडस वार्ठोन वार्थोन एडस वॉरठोन द मूविंग फिंगर बाय एडस वार्थोन एडस वार्थोन इज द राइटर ऑफ द स्टोरी देर आर थ्री मेजर कैरेक्टर्स मिस्टर ग्रेंजी सेविद बी मिस्टर ग्रेंजी क्लेडन एक पेंटर है खलेडन विद भी खलेडन मिस्टर ग्रेनजी और खलेडन दोस्त हैं थर्ड इंपॉर्टेंट करेक्टर है सेकंड वाइफ ऑफ मिस्टर ग्रेनजी मिस्टर ग्रेनजी की फर्स्ट वाइफ मर चुकी है फर्स्ट वाइफ कंट्रोलिंग थी चेक एंड बैलेंस रखने वाली थी मिस्टर ग्रेंड इजी फील नहीं करता था वो मर गई तो मिस्टर ग्रेंडजी आसान हो गया मिस्टर ग्रेंडजी ने दोबारा शादी की सेकंड वाइफ वाज हाईली ब्यूटीफुल, बला की खूबसूरत थी सबने कहा मिस्टर ग्रेनजी दिस इज योर परफेक्ट पेयर मिस्टर ग्रेनजी हाईली सेटिस्फाइड था अपने दोस्त को बुलाता है इस बला की एक पेंटिंग बनाओ क्लेडन क्लेडन कहता है ये बला क्या बेचती है हम बेचेंगे ऐसी पेंटिंग बनाता है कि असल ख़ातून उसकी खूबसूरती को सब भूल गए और पेंटिंग की गर्विदा हो गए पेंटिंग में महव हो गए पेंटिंग को हर हर एंगल से डिस्कस करने लगे पेंटिंग को रख के डिबेट और डिस्कशन होने लगी पेंटिंग से मोहब्बत हो गई मिस्टर ग्रेनजी को पेंटिंग से मोहब्बत हो गई खुद आर्टिस्ट को पेंटर को क्लेडन को सेकंड वाइफ भी आफ्टर थ्री इयर्स मर गई अब मिस्टर ग्रेनजी के पास है एक पोर्ट्रेट पेंटिंग सेकंड वाइफ की वो उसे अपनी वाइफ की तरह ट्रीट करता है जैसे उसकी थर्ड वाइफ हो वो उससे बातें करता है वो घर से बाहर नहीं जाता वो घर में दोस्तों को बुलाता है अहतमाम करता है और पोर्ट्रेट को ड्राइंग रूम में हैंग करके उस पर डिस्कशन की जाती है सब महजूज़ होते हैं क्लेडन इस पोर्ट्रेट में ख़ातून यंग है और जबकि मैं एजिड हो गया थोड़ा इसमें अल्टर करो क्लेडन उसमें अल्टर करता है दोनों हम उम्र लगने लग जाते हैं कौन कौन सेकंड वाइफ का पोर्ट्रेट और मिस्टर ग्रेनजी फिर कुछ अरसा बाद दस बीस साल बाद दोबारा अल्टर करो ताकि ये मेरी हम उम्र नजर आए यानी कि मिस्टर ग्रेनजी पुजेसिव है उस पोर्ट्रेट के पोर्ट्रेट के हवाले से वो चाहता है कि ये मेरी मलकियत रहे मेरे साथ ही बड़ी हो मेरे साथ ही बूढ़ी हो मेरे साथ ही मरे आखिर मिस्टर ग्रैंडी बीमार हो जाता है मरने से पहले विल लिखता है वसीयत कि ये पेंटिंग क्लैडन को जाएगी मिस्टर ग्रैंडी मर गया पेंटिंग क्लैडन के पास गई क्लैडन ने कहा हाँ अब तुम तो मेरी हो और मेरे लिए हो सिर्फ मैं ही तुम्हें देखूंगा और क्लेडन उसको दोबारा से अल्टर करता है जैसे सबसे पहले उसने पेंटिंग बनाई थी उसको उसी हालत में लेकर आता है वैसे ही यूथफुल वैसे ही रिच ब्यूटी आर्टिस्ट ने पेंटर ने कमाल ये किया था उसने जस्ट एक फीमेल की ब्यूटीफुल पिक्चर नहीं बनाई थी बल्कि उसने उजागर किए थे वो पहलू जो एक मर्द चाहता है एक वेमन से यानी कि मैन या आप कह सकते हैं ह्यूमन वांट को ज्यादा उसने फोकस किया और एंड पर मिस्टर क्लेडन भी क्रेजी हो जाता है पागल हो जाता है स्टोरी फिनिश आउट देर आर समस्चन्स जो पंजाब यूनिवर्सिटी ने रेज किए राइट आ नोट ऑन द मिस्टीरियस एलिमेंट्स एसोसिएटेड विद द पोट्रेट टू थाउजेंड एटीन में क्वेश्चन आया मिस्टीरियस पुररार एलिमेंट बताएँ जैसे कि मिस्टर ग्रैंडी पोट्रेट से बातें करता है पोट्रेट यानी पेंटिंग भी बातें करती है क्लाइडन बार बार उसके घर में आता है मिस्टर ग्रैंडी घर से बाहर नहीं जाता इस तरह के मिस्टीरियस एलिमेंट्स हैं उसको बार बार अल्टर किया जाता है 2019 में क्वेश्चन फिर आया मिस्ट्री इन द स्टोरी डिस्कस करें 2019 में अगेन क्वेश्चन आया कि क्लैडन इज अ गुड और बैड करेक्टर दिस इज योर होस्ट लेक्चरर एम के बुटा नोट्स कंप्लीट 5000 में हम प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर सिंगल आंसर होता है ऑल स्टोरीज का और उसके अलावा बाकी तमाम सिलेबस में मौजूद चीजें साथ स्पोकन सात क्रिएटिव राइटिंग ये पूरा बंडल फाइव थाउजेंड में अवेलेबल है आंसर मिस्टर ग्रजी हैड थ्री वाइव्स मिस्टर ग्रैंडी की तीन बीवियां थी टू इन फ्लैश दो तो थी गोश्त पोस्ट में इंसानी रंग रूप में खदोखाल में एंड वन इन मिसमराइजिंग पोर्ट्रेट और एक बीवी वो पोर्ट्रेट है जो हैपनाटाइज कर लेता है जो लोगों को कैच कर लेता है लोगों को कहीं जाने नहीं देता मिसमराइजिंग पोर्ट्रेट पुरसरार पोर्ट्रेट है मिस्टर ग्रैंडीज़ फीलिंग्स फॉर हर सेकंड वाइफ वर बेस्ड एंड पोजैसवनेस मिस्टर ग्रैंडी की जो फीलिंग्स थी सेकंड वाइफ के हवाले से जो कि बला की खूबसूरत थी वो पोजेसिव फीलिंग्स थी वो चाहता था इससे कोई ना मिले इसे सिर्फ वो खुद ही देखे खुद ही इंजॉय करे ये एटीट्यूड मर्द का पोजैसि एटीट्यूट ये विक्टोरियन दौर में ज़्यादा था मलगा मलका विक्टोरिया के दौर के अंदर जो मर्द था वो पोजेसिव था वो औरत पर हुक्मरानी करना चाहता था फैठरा रेखल कहते हैं फैठरा रेखल मेरे साथ कहेंगे फैठरा रेखल मर्द हुकुमरान तबीयत मिस्टर ग्रेन्जी की तबीयत विक्टोरियन मर्द जैसी थी फैठरा रेखल थी जाबर मर्द जैसी थी ह्यूमन ह्यूमन नेचर है कि वो वीक ह्यूमन को वीक ह्यूमन को महकूम करता है उस पर कब्ज़ा जमाने की कोशिश करता है फिफ्टी सिक्सटी परसेंट जो सादा लो इंसान होते हैं वो घर बनाते हैं बीवी बच्चे बनाते हैं वो सादा लो लोग उन पर हुक्मरानी करना चाहते हैं कमज़ोरों पर जस्ट वहीं लोग जब बाहर दोस्तों में जाते हैं दोस्त उन्हें अगर कोई बुरी बात कहेगा तो वो बर्दाश्त कर जाते हैं बिजनेस करते हैं तो कई ऊंच नीच तू तू मैं मैं होती है तो वो फेस करते हैं बर्दाश्त करते हैं चुप करते हैं सर नीचे गिरा देते हैं जबकि घर में आते हैं तो सर उठा कर बैठते हैं क्योंकि वो उन्हें अपनी मलकियत फील करते हैं और उन पर वो हुक्म सादर करते हैं तो ये ह्यूमन सेकी है कि वो कमज़ोर को महकूम करने की कोशिश करता है विक्टोरियन पीरियड के अंदर मर्द ऐसा हुमरान था अंग्रेज़ इन तमाम अदवार से गुज़र चुके हैं जिन अदवार से हिंदुस्तान पाकिस्तान ये एरिया गुज़र रहा है हमने अभी तक औरत पर कब्ज़ा जमाना बंद नहीं किया हमें फील होता है कि ये हमारी मलकियत है वो बहन के रूप में हो इवन के माँ के रूप में हो तो माँ पर भी हमारा कब्ज़ा होता है क्योंकि शीज़ फीबल वीक कमज़ोर मखलूक है कमज़ोर मखलूक पर कब्ज़ा करना हमला करना हमारी एक फ़ैक्ट्री थी फ़ादर मेरे इंडस्ट्रियलिस्ट थे तो उसमें हाजी अख्तर वो थोड़ा ऊंचे कद का घुंगराले बालों के साथ बड़ा चेहरा उसका बड़ा ठीक ठाक मर्द नज़र आता था लेकिन था वो अंदर से बुजदिल पंद्रह से बीस लोगों की लेबर में एक बाली लड़का था वो हर तीन माह के बाद पतंगों के पीछे भाग जाता तीन तीन दिन घर भी ना आता उसे करेज था पागल था पतंगों के पीछे लेकिन जब उसे मौका मिलता उसकी डिज़ायर ऊद कर आती जोश मारती तो भाग जाता था उसको डिटेक्ट करना उसको पकड़ना ये मेरे सपुर्द होता था मैं आई वॉज़ इन एट्थ क्लास बारह तेरह साल का लड़का तो मैं पूरी लेबर के साथ एक ख़ास टाइम में उसको फोकस करता डिटेक्ट करता और उसको वरानों में जाकर कैप्चर करता जिस तरह एक पुलिस पुलिस गैंग होता है और वो किसी एक चोर को पकड़ने जाता है जब उसको पकड़ कर वापस ले आए उसके दोनों आर्म्स ऊपर थे कानों को लगे हुए ऊपर एक बिजली की तार के साथ उसे बांध दिया गया छत के साथ और उसके पाँव की बस टोस पंजे ज़मीन से लगे हुए थे और उसके मुंह पर थप्पड़ मारे जा रहे थे क्योंकि उसे सवियर किस्म की पनिशमेंट देनी होती थी जब भी वो तीन माह के बाद भागता था तो वो तीन दिन भागता अयाशी करता पतंगों के पीछे डोर सूतता व्हाट्स एवर लेकिन जब वापस आता तो उसे कम अज़ कम कोई आठ से दस घंटे की पनिशमेंट मिलती थी जो कि बहुत ही भयानक किस्म की होती थी जिससे मेरा दिल दहल जाता मेरा सोल इंटरेस्ट था उसको डिटेक्ट करना उसको कैप्चर करना उसे पकड़ कर ले आना और मैं भी बड़े खौफनाक तरीके से उसे ले आता था मतलब ज़ालमाना तरीके से लेकिन वो सीन मुझसे फिर नहीं देखा जाता खैर जब वो बंधा हुआ था छत के साथ तो हाजी अख्तर जो ऊँचे कद का एक मर्द नुमा मर्द था तो वो जब आया तो उसने उसके कानों के ऊपर से पकड़ करके ज़ोरदार टक्कर मारी उसे तो सब इससे तकरीबन महजूज़ हुए सिवाय मेरे तो मुझे बुरा लगा कि ये कोई फिल्म का सीन नहीं कि इसने सुल्तान रही की तरह आकर टक्कर मार दी इसे और तीन दिन के बाद सेठ सादक भी कह रहा था वालद साहब कि अरे भाई हाजी अख्तर वैसे यार तुम्हें वैसे तो गुस्सा कोई नहीं आता ना तुम बोलते हो चुप रहते हो लेकिन बंदे हुए बंदे पर बड़ा गुस्सा आता है उसे टक्कर मार दी तुमने उस दिन ऐसा मज़ाक कर रहे थे हाजी अख्तर कह रहा था उस्ताजी मुझे कमज़ोर पर बड़ा गु़स्सा आता है मुझे अभी तक वो डायलाग याद है यार कमज़ोर पर गुस्सा आता है ये कोई बात बनी नहीं हालांकि मुझे बदमाशी करने का शौक़ था लेकिन ये बातें सुनकर मुझे लगा कमज़ोर पर गुस्सा करना ज़्यादा आना ये कोई रिज़नेबल बात नहीं वहीं हाजी अख्तर था जब रोड पर साइकिल ठहरा कर एक लड़किया वो साइकिल के आगे आ गया, गया लाइक दिस पतला सा छोटा लड़का था उसे उसे कहा ओए फिलहाल ऐसे तैसे तो उस लड़के ने झपट कर हाजी अख्तर के गर्दन में अपने दोनों बाजू डाल लिए और उसने अपनी दोनों लेग्स उसकी वेस्ट पर रख ली हाजी अख्तर की ऊंचे कद का बंदा था और उस लड़के ने सीधा उसकी गाल cheek के ऊपर एक जोरदार चक्की काट के ठहर गया लटक गया अब उसके दांत गड़े हुए हाजी अख्तर की गाल के अंदर और हाजी अख्तर ने मैंने देखा थोड़ी देर के बाद उसे दोनों आर्म्स अपनी ढीली छोड़ दी और कहा छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे मैं तेने तो को कुछ नहीं कहता छोड़ दे कुछ नहीं कहता मैं तेनों छोड़ दे लड़के ने तकरीबन कुछ तीन चार मिनट के बाद उसकी गाल छोड़ी और वो नीचे उतर आया अगर बंधे हुए कमजोर इंसान को टक्कर मारेंगे ना आप तो एक दिन ये कमजोर औरत छाल मार के आपकी गाल पर चक्की काटेगी तो फिर आपके बस में कुछ नहीं होगा विक्टोरियन फैटोरेकल मेल डोमिनेंट हुक्मरानी मर्दानगी सब बातें आजी अख्तर और बाली की स्टोरी में कवर होती हैं और लास्ट वाला लड़का लीन बॉय इवन के मिस्टर ग्रजी आफ्टर हर डेथ हर पेंटिंग पर कब्जा जमाए बैठा है पेंटिंग मेड मोर मेन्स वॉन्ट देन द रियल ब्यूटी ये पेंटिंग पुरेसर इसलिए है क्योंकि इस पेंटिंग में आया है क्लियर है क्या मर्द की ख़्वाहिशात ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं देन द the रियल ब्यूटी रियल ब्यूटी से भी ज़्यादा जब हम कहते हैं कि मर्द की तो उसका मतलब सिर्फ सेक्सुअल ऑर्गन नहीं डिस्प्ले कर दिए उसने तो मेल फील करे इसको बार बार देखना चाहिए नहीं कथरीना कैफ हमेशा इतनी अच्छी नहीं लगती जितना एक पेंटर ने एक टीवी स्क्रीन ने उसे जिस अंदाज से ठहराया जिन मैनर्स के साथ ठहराया तो हर मर्द की वो ख्वाहिश को स्ट्राइक कर गई चीज मेरी बात समझ गए आप पेंटिंग मेड द मैन पेंटिंग इस पेंटिंग ने मर्दों को बुखला दिया वो हाँप रहे हैं बड़े बड़े सांस ले रहे हैं द पेंटिंग मेड द एग्जिस्टेंस एबनॉर्मल इस पेंटिंग ने एग्जिस्टेंस को एबनॉर्मल कर दिया मिस्टर ग्रैंडी घर से बाहर नहीं जाता ख्रेडन को अपने ही पोर्ट्रेट से मोहब्बत हो गई है पोर्ट्रेट से बातें होती हैं पोर्ट्रेट भी बातें करती है पोर्ट्रेट को अल्टर किया जाता है उसे बूढ़ा किया जाता है फिर बूढ़ा किया जाता है फिर जवान किया जाता है तो एग्जिस्टेंस पूरा ताना बाना जिंदगी का अब नार्मल हो गया है और से सुपर नार्मल या ये सुपर नार्मल हो गया है बहुत ही आला दर्जे की कोई चीज़ हो गई है कि पेंटिंग को किसी आर्ट को इतनी इज़्ज़त दी गई इतना मकाम इतना रुतबा दिया गया उसको इतनी इतनी जगह दी गई लाइफ के अंदर द फेंटिंग फेंटेड द आर्टिस्टिक लव ऑफ आर्टिस्ट इस फेंटिंग ने ही पेंट किया है स्टोरी में कि एक आर्टिस्ट महब्बत कैसे करता है खलैडन कैसे महब्बत करता है उस और उस महब्बत में वो किस तरह पागल होता है एंड घोष्टली लव ऑफ ग्रेनजी ग्रेंजी और ग्रेनजी का घोस्टली लव अमेरिकन प्रानउंसिएशन ग्रेनजी है ग्रजी